हे गाइस, वेलकम टू StudyIQ। और इस वीडियो में हम बोडोलैंड इशू को डिस्कस करेंगे। StudyIQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो SSC एग्जाम्स हो, बैंक की एग्जाम्स हो या UPSC एग्जाम हो। हमारी टेस्ट सीरीज भी है स्पेशली फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। इंग्लिश में और हिंदी में भी हमारी टेस्ट सीरीज या हमारे कोर्सेज परचेज करने के लिए आप studyiq.com में जा सकते हैं या आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बोडोलैंड आजकल इतना न्यूज़ में क्यों है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आसाम में जो बोडो ट्राइब के लोग हैं वो बोडोलैंड प्रोनाउंस नहीं करते, वो बोरोलैंड प्रोनाउंस करते हैं, BORO, और ख़ुद को बोडो भी नहीं कहते, बोरो कहते हैं। बट मेनलैंड इंडिया में हम लोग बोडो कहते हैं, न्यूज़ में भी बोडो कहते हैं, तो मैं यहाँ पर बोडोलैंड ही यूज़ करूँगा। तो बोडोलैंड आजकल न्यूज़ में इतना क्यों है, उसके अलावा बोडोलैंड इशू आखिर है क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से इसको समझेंगे। फिर ये भी जानेंगे कि 6th शेड्यूल है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी जानेंगे कि बोडोलैंड का जो इशू है वहाँ पे हमारा संविधान क्या कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीडियो, लेट्स बिगिन। तो आखिर हुआ क्या है रिसेंटली, आसाम में बोडोलैंड की मांग फिर से जोरों शोरों पर है। रिसेंटली जो बोडो लोग हैं आसाम में, उन्होंने नेशनल हाईवेज आसाम के ब्लॉक कर दिए। और कौन कौन से नेशनल हाईवेज ब्लॉक किए ये भी जान लीजिए। एक तो है NH-31 काजलगांव में, और दूसरा है NH-15 ओरांग में। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मानते हैं कि भारत सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। मांगे क्या हैं उन पर अभी हम बात करेंगे। बेसिकली वो एक इंडिया के अंदर ही एक बोडोलैंड की सेपरेट स्टेट चाहते हैं, इंडिया के अंदर ही। पहली बात ये समझ लो, ये कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये इंडिया से अलग होना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंडर ये चाहते हैं, जैसे तेलंगाना अभी रिसेंटली अलग हुआ है, वैसे ही बोडोलैंड एक नई स्टेट बनाई जाए। अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कि मेन उनका इशू क्या है। तो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे बोडो लोग, उन्होंने ये नारा लगाया, जब तक बोडोलैंड नहीं मिलेगा कोई रेस्ट नहीं होगा, मतलब कि जो जीवन है वो नॉर्मल वापस शुरू नहीं होगा। वार्निंग में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इमीडिएटली उनकी मांगों को नहीं सुनती तो वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठेंगे, जो पहले बैठ भी चुके हैं। यहाँ पे तीन ग्रुप्स ने मेनली सारा प्रोटेस्ट किया था। एक तो है ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, फिर है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड पीपल्स जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर बोडोलैंड मूवमेंट। यूजुअली ये तीनों ग्रुप्स एक साथ कम आते हैं, मगर यहाँ पे देखा गया कि तीनों ग्रुप्स ने मिलकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया। तो अब जानते हैं कि जो बोडोलैंड की मांग है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उस मांग के पीछे रैशनल वजह क्या है। अब दोस्तों ये है इंडिया का मैप, यहाँ पे आप देखोगे ये है आसाम। आसाम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अगर हम आगे जाएं तो ये तो ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आता है बांग्लादेश, ये है नेपाल यहाँ पर, और यहाँ पे है भूटान। अगर हम देखें आसाम इंडिया की किन स्टेटों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो हम देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, फिर नागालैंड के साथ, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, और ऑफकोर्स मेघालय, तो और यहाँ पे वेस्ट बंगाल तो है ही। तो इन सब स्टेट के साथ आसाम अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और यहीं पर मांग उठ रही है बोडोलैंड की। अब दोस्तों ये है एक बेटर आसाम का मैप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, यहाँ से चाइना से होते हुए आती है और यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है। जो मेन बोडोज़ का एरिया है जहाँ पे बोडो लोग रहते हैं वो यहाँ पे है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये माना जाता है बोडोज़ का एरिया है। और अब जानते हैं कि बोडोलैंड की मांग इस मैप में कहाँ कहाँ पर है। अब अगेन ये जो मांग है ये बोडोलैंड का एक स्टूडेंट्स यूनियन है, उनकी मांग है, ऐसा नहीं है कि इस मांग को लेकर अभी सरकार ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है या फिर ये कोई एक्चुअल मैप है जिस पर बोडोलैंड बनेगा, ठीक है। ये एक बस एक ग्रुप का प्रपोज्ड मैप है, और ज़्यादातर लोग जो बोडोलैंड को सपोर्ट करते हैं आसाम में, उनकी सेंटिमेंट भी इसी मैप के साथ है। तो आप देख सकते हो ये आसाम का जो मैप था, वहाँ पे कंप्लीट जो नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के जो ऊपर की साइड है और थोड़ा बहुत ये वाला एरिया भी, ये सब मानते हैं कि ये बोडोलैंड में आता है, और इस एरिया को मिलाकर एक अलग से स्टेट कार्व आउट कर देनी चाहिए। और जो प्रपोज एरिया है बोडोलैंड का वो है 25,480 स्क्वायर किलोमीटर्स। देखो जब से तेलंगाना बना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसको अलग से स्टेटहुड दिया गया है। इंडिया में और भी जो ग्रुप्स हैं जो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, अपनी अभी जो ओरिजिनल उनकी स्टेट है उससे अलग होकर, उनकी मांगें और तेज़ हो गई है कि वो ये कहते हैं कि जब तेलंगाना को आप बना सकते हो, वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको आप सुन सकते हो और उनको वो दे भी सकते हो जो चाहते हैं, तो हमको क्यों नहीं। तो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल एक तो वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड, मैंने गोरखालैंड पर अलग से वीडियो बनाई हुई है आप देख सकते हैं, और अभी रिसेंटली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आसाम में बोडोलैंड। तो जब से तेलंगाना आज़ाद हुआ है बोडो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो मांग है एक सेपरेट स्टेट के लिए वो भी अचानक से तेज़ हो गई है।
बोडोज या बोरोस कह लीजिए, एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो माना जाता है आसाम के अर्लीस्ट इन्हेबिटेंट्स हैं, मतलब कि आसाम में सबसे पहले वो बसे थे। ये इंडो मंगोलॉयड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये माना जाता है, मतलब कि जो इनका जो ओरिजिन है वो तिब्बत और कुछ हद तक मंगोल से भी है, मंगोलिया से भी है। और कई सालों पहले उनका एक छोटा सा ग्रुप इंडिया में आके बस गया था और आज उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे ठीक ठाक है। इनका एक अपना छोटा एम्पायर भी था, एक सिविलाइजेशन थी, ठीक ठाक इन्होंने एक्सपेंशन भी किया जितना कर सकते थे। जब बोडोस अपनी जेनित पे थे, मतलब चरण सीमा में थे, तब इन्होंने काफ़ी टेरिटरी अपने अंडर ले ली थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और बहुत सारे पार्ट्स, नेपाल के कुछ पार्ट्स इनके अंडर थे, भूटान के कुछ पार्ट्स इनके अंडर थे, नॉर्थ बंगाल के और बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स भी इनके अंडर थे। एक प्राउड हिस्ट्री आप कह सकते हो इनकी रही है, मगर 20वीं सेंचुरी इनके लिए ज़रा अच्छी नहीं रही। जैसे मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी के बाद से बोडो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। अब देखो, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे कि कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, कोई भी एथनिक माइनॉरिटी हो, उनके लिए उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहते हैं कि जो भी उनकी धरोहर है, जो भी उनकी भाषा है, उनका रहन सहन का तरीका है, जो उनका कल्चर है, वो प्रिजर्व रहे, उस पर कोई अटैक ना हो। मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर बोडो पीपल, उसी पर बार बार अटैक होता रहा। अब जो मेन प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े उनमें से ये थे, एक तो इल्लीगल इमिग्रेशन। इल्लीगल इमिग्रेशन प्राइमरीली कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए, अब उनकी भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे उनको एक बेटर लाइफ नहीं मिलती, तो एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बेटर लाइफ ढूंढने के लिए वो कभी कभी इंडिया आ जाते हैं। और यहाँ पे जो बोडो लोगों का जो एरिया था, वहाँ पे जो विलेजेस थे, वहाँ पे वो सेटल हो जाते थे। मगर धीरे धीरे इतने ज़्यादा लोग आने लग गए वहाँ पर कि कई जो विलेजेस थे वहाँ पे, बोडो के विलेजेस, वहाँ पर बांग्लादेशी लोग ज़्यादा हो गए, बोडो लोग कम हो गए। तो इससे उनको, बोडो लोगों को लगा कि धीरे धीरे बांग्लादेशी लोग उनका जो लैंड है वो हड़प रहे हैं और वो अपने ही लैंड में आने वाले कुछ डेकेड्स में एक माइनॉरिटी या फिर एक माइनॉरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा एनक्रोचमेंट ऑफ देयर लैंड, जैसे मैंने आपको बताया, वो यही मानते हैं कि बांग्लादेशी लोग या जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो उनके लैंड्स को एनक्रोच कर रहे हैं। और फिर फोर्स्ड असिमिलेशन, असिमिलेट करना मतलब घुल मिल जाना। अब जैसे कोई पंजाबी है, वो तमिल कल्चर के बारे में जानना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो असिमिलेट होना चाहता है, उसकी खुद की मर्जी है। मगर एक फोर्स असिमिलेशन होती है कि मान लो कि कल को कोई कंट्री है, उनका एक कल्चर है, वो जानकर वो अपना कल्चर दूसरी कंट्रीज पर फोर्स करे। फॉर एग्जांपल, फोर्स असिमिलेशन का क्लासिक एग्जांपल हमको दिखता है जो चाइना ने तिब्बत के साथ किया है, ठीक है। तिब्बत एक अलग कंट्री था, अलग कल्चर था, उनका अलग वे ऑफ लाइफ था। चाइना के जो हान एथनिसिटी के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना एक कल्चर है, अपना जो रहने का तरीका है, वो तिब्बतियन लोगों पर फोर्स कर दिया, तो वो फोर्स असिमिलेशन थी। तो यहाँ पे जो बोडो लोग हैं उनको फोर्स असिमिलेशन की भी फीलिंग आई कि वो बांग्लादेशी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे इस तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक माइनॉरिटी ऑलरेडी वो है, तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर वैसे ही वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, और अब उनको असिमिलेट भी करना पड़ रहा था। और उसके अलावा लॉस ऑफ लैंग्वेज, ये आपको इंडिया में ऑलमोस्ट हर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वहाँ पे आपको ये शिकायत मिलेगी कि उनकी लैंग्वेज की कदर नहीं होती, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और वो धीरे धीरे एक्सटेंट हो सकती है, तो ये डर तो रहता ही है। और फाइनली कल्चर का भी, कि ये मैंने आपको बता दिया कि जो माइनॉरिटी होती है उनको लैंग्वेज और कल्चर को लेकर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है और वो चाहते हैं कि वो प्रिजर्व रहे। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करनी पड़ी। उसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे बोडो रीजन जो है जहाँ पे बोडो लोग रहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, जो डेवलपमेंट वहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, सड़कें जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। तो बहुत सारे कारण थे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ऊपर से इलीगल इमिग्रेशन, दोनों जो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़रा बढ़ रही थी। और बोडो लोग कॉन्स्टेंटली स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी जो, उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व करने में उनकी मदद की जाए, और उनको जो फोर्स असिमिलेशन उनकी जो हो रही है बांग्लादेशी लोगों के साथ, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के साथ, ज़बरदस्ती ना हो और उनके जो लैंड्स एनक्रोच हो रहे हैं वो भी ना हो। मगर कुछ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इन दी एंड इन सब प्रॉब्लम से तंग आकर बोडो लैंड की मांग तेज़ होने लग गई। बोडो लैंड की मांग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ी। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है इलीगल इमिग्रेशन के साथ ही शुरू हुई थी। बोडो लैंड एक आइडिया जो है बहुत ही लंबे समय से लोगों के जहन में था, मगर एज आई सेड अर्लियर, उस वक्त जो उसकी डिमांड थी, लोगों में जो आक्रोश था उसको लेकर, वो इतना ज़्यादा नहीं था। अब जरा टाइमलाइन देखते हैं कि बोडो लैंड की मांग शुरू कब हुई थी। अब अगर हम बोडोलैंड की जो डिमांड है उसके रूट्स देखें, उसका ओरिजिन देखें, तो हमको 1930s में जाना पड़ेगा।
उस समय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी एक लीडर थे बोडोस के, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया साइमन कमीशन को। उस वक्त उन्होंने कहा कि एक सेपरेट पॉलिटिकल सेटअप बनना चाहिए, जो बोडो लोग हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं असम के लोगों के, उनके लिए एक अलग से आप एक पॉलिटिकल सेटअप बनाइए, ताकि उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो अपने हिसाब से पूरी कर पाएँ। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा जो उनको समझता नहीं है उनके लिए वो डिसीजन मेकिंग करे। इस डिमांड को ना ब्रिटिश इंडिया ने सुना ज़्यादा, ना इंडिपेंडेंट इंडिया ने ज़्यादा सुना, मतलब जब पहली बार भारत सरकार 1947 के बाद वजूद में आई। अब ऐसा नहीं है कि ये जो डिमांड है 1930s में अकेली बोडोलैंड की आई थी, गोरखालैंड की डिमांड जो है वो भी इसी समय वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया को काफ़ी बार गुहार लगाई कि एक गोरखालैंड बनाना चाहिए। बट अगेन उस समय जो रीज़न थे इसके पीछे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जो वहाँ के जो लोकल्स थे, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस इशू के बारे में कि वो इस कॉज को सपोर्ट कर पाएँ। फिर दूसरी बार जब डिमांड उठी बोडोलैंड की, वो उठी 1980s में। 1980s तक बहुत कुछ हो चुका था। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि 1971 जब एक वॉर हुई थी, आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें से बांग्लादेश एक नया कंट्री उभर के आया। उससे पहले भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ईस्ट पाकिस्तान से, जो अभी बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान के अंडर था तो उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो तब भी ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हर साल असम में, वहाँ पे बोडोल जो एरिया है उसके आसपास बस रहे थे। मगर आपको पता है 1971 में बांग्लादेशी लोगों का मास जेनोसाइड हुआ। वहाँ पे एक पाकिस्तानी आर्मी मैन थे, उनका नाम था टिक्का खान, उनके अंडर मास जेनोसाइड हुआ, बांग्लादेशी लोगों का मास रेप्स हुए, और उसी से डर के बहुत सारे बांग्लादेशी लोग इंडिया में भागे। और जब वो इंडिया में भाग रहे थे, बहुत सारे लोग उनमें से असम की तरफ भी भागे, और अगेन जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रखे थे बोडोलैंड में, सडनली 1971 के बाद उनकी जो संख्या थी बहुत ही तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। और फिर ये जो प्रॉब्लम थी बोडोलैंड की, ये पूरे बॉइलिंग पॉइंट तक आ गई 1980s तक। और फिर 2 मार्च 1987 में उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जो एक लीडर थे वहाँ पे बोडोलैंड के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाई, जिसका नाम था ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। और इसी के साथ इसकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जिसका नाम था बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी, BPAC। जो ऑब्जेक्टिव था इस यूनियन का और इस कमेटी का, वो ये था कि असम को 50-50 में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब कि आधा असम असम रहेगा और जो आधा अभी ओरिजिनल असम है उसका जो लैंड है उससे बोडोलैंड बनाया जाएगा। इनिशियली ये जो मूवमेंट थी ये वायलेंट नहीं थी, इनकी जो डिमांड थी ये बहुत ही पीसफुली अपनी आगे रख रहे थे। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक दो सालों में ये पूरी जो मूवमेंट थी बहुत ही ज़्यादा हिंसक बन गई। कई लोगों का खून हुआ, दंगे हुए, और पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई अपनी डिमांड को भारत सरकार के सामने रखने के लिए। और 1993 में असम गवर्नमेंट ने मजबूर होके बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बना दिया। ये बेसिकली है क्या, ये उन्होंने ये कहा कि एक जो एरिया है जहाँ पे बोडो लोग रहते हैं, वहाँ पे एक ऑटोनॉमस काउंसिल बना देते हैं, मतलब कि जो भी वहाँ पे निर्णय हैं पढ़ाई को लेकर, कुछ और जो बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे सड़कें कैसे बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस सब को लेकर बोडो लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनके लिए क्या सही है। जो असम गवर्नमेंट है वो उनके लिए डिसीजन नहीं लेंगे। मगर ये जो एग्रीमेंट था, ये जो अकॉर्ड था, पीस अकॉर्ड, ये एक साल तक ही टिका, और 1996 तक ये जो अकॉर्ड था ये बिल्कुल टूट चुका था। और उसी साल 1996 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने फिर से डिमांड शुरू कर दी असम की। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको एक ऑटोनॉमस काउंसिल चाहिए, इस बार उन्होंने कहा कि उनको प्रॉपर स्टेटहुड चाहिए। और फिर 2003 में NDA सरकार के अंडर, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के थे देश के, उन्होंने फिर से एक बोडो अकॉर्ड साइन किया बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ। उस वक्त ये एक मिलिटेंट आउटफिट थी, और इस पूरे अकॉर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पार्टी थी, असम गवर्नमेंट भी थी, और ऑफकोर्स बोडो लिबरेशन टाइगर्स भी थी। इस एग्रीमेंट के अंडर फिर से एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया, मगर इस बार उनको ज़्यादा पावर दी गई कि अपने एरिया को वो जैसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाहें कर सकते हैं। और ये सब हुआ 6th शेड्यूल के अंडर, ये भी इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। अब देखो, बोडोलैंड के जो लोग थे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका एक काफ़ी अच्छा समाधान था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिसको लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स दी गई थी करीब 40 पॉलिसी एरियाज़ की।
और उनको कहा था कि इन एरिया इन जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको सही लगे आप खुद अपने लिए निर्णय लीजिए। और उस सब के अलावा जो BTC था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल उसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि जो इकोनॉमिक एजुकेशनल लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस हैं वहाँ के लोगों की और उसके अलावा जो एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का जो उनका एक उनका जो कॉज है वो सब भी प्रॉपरली उस पर काम किया जाए और वहाँ पर जो बेसिक जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से वहाँ पे बने, वहाँ पे सड़कें बने और लोग ओवरऑल डेवलपमेंट को महसूस कर पाए। और आपको ये याद रखना है वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो BTC था इन चार डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर ये बनाया गया था। एक तो था कोकराझर और चिरांग, फिर है उदालगुरी और फाइनली बक्सा। इन चार डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर, यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग रहते हैं तो इन चार डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर BTC बनाया गया। मगर ये जो पूरा फॉर्मूला था ये काम कर जाता, ये सोल्यूशन काम कर जाता अगर जो BTC को एडमिनिस्टर कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज उनके अंदर फिर से इन फाइटिंग ना होती। क्योंकि जैसे ही BTC बना तो एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई बोडोलैंड के आउटफिट्स के अंडर ही कि इस BTC को कंट्रोल कौन करेगा, इसका इन्फ्लुएंस किसका किस पे होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि तीन मेन जो आउटफिट्स हैं अभी इस बार जो प्रोटेस्ट चल रहा है 2017 में तीनों साथ आए हैं, ठीक है। इससे इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आउटफिट्स हैं, ज़्यादातर वो साथ आते नहीं हैं क्योंकि इन दी एंड इन सब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करनी है, इस सब के अंडर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सबके पीछे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पावर ग्रैब करना। तो जब किसी को पावर मिलती नहीं है जो वो एक्सपेक्ट करता है तो क्या करता है, जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है ताकि नई प्रॉब्लम बन जाए और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेकर आए। तो जिन लोगों को यहाँ पे BTC में पावर नहीं मिली उन्होंने BTC को सैबोटाइज करने की कोशिश करी और जो BTC का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया। और जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया अगेन लोगों में फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लग गई और लोगों को ये लगा कि ठीक है यार हमको BTC नहीं चाहिए, हमको एक सेपरेट स्टेट ही चाहिए, एक सेपरेट स्टेट से ही बोडोलैंड के सारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अगेन इसके पीछे कोई रीज़न प्रॉपर नहीं था बट जो लोग यहाँ पे सैबोटाज करना चाहते थे BTC को वो कामयाब हो गए और लोगों के मन में ये चीज़ आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वो नहीं दिया जो वो चाहते थे। अब देखो बोडोलैंड बोडो लोग जो हैं उनकी मांगों को शांत करने के लिए, उनकी मांगों को कुछ हद तक कंप्लीट करने के लिए BTC जो बनाया गया था वो 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंडर बनाया गया था। जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज पे, ठीक है। इसमें जो चार प्राइमरी जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की उनसे वो डील करता है, ठीक है। 6th ये नहीं है कि पूरे इंडिया में जो चार स्टेट्स हैं उनकी, जो चार स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। अभी के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इन पे आप नज़र डाल सकते हैं। अब ये वैसे पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं कि जो जोन्स हैं इस 6th शेड्यूल के अंडर वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं और वो चार स्टेट्स कौन कौन सी हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखो जो 6th शेड्यूल है उसके अंडर चार स्टेट्स में जो ऑटोनॉमस काउंसिल बनाए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली स्टेट है मेघालय, वहाँ पे तीन बनाए गए हैं। तीनों काउंसिल्स के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर मिजोरम में भी तीन हैं, चकमा, लाई और मारा। फिर है त्रिपुरा, ये तीसरी स्टेट है, ठीक है। चार स्टेट बताई थी ना, ये तीसरी है, उसका एक ही है काउंसिल यहाँ पे, त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल। और फिर आसाम का मैंने ये तो बता दिया आपको, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। उसके अलावा दो और हैं, एक तो है कार्बी एंगलोंग काउंसिल और उसके बाद डीमा हसाओ काउंसिल। ये भी अपने आप में ट्राइब्स हैं, ये भी काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी चाहते हैं और ये इनके लिए भी काउंसिल बनाए गए हैं ताकि ये अपना जो भी इनको गवर्न करना है अपने हिसाब से वो वहाँ पे कर सकें। अब देखो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो बोडोलैंड की डिमांड है एज ए सेपरेट स्टेट उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। देखो आप अगर सोचो बोडोलैंड की जो बेसिक डिमांड है एज ए सेपरेट स्टेट वो रेशियल एथनिसिटी पर बेस है कि वो ये वहाँ पे बोडोलैंड के लोग ये कह रहे हैं कि वो रेशियली दूसरे लोग हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं बांग्लादेश से और जगह से वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं और उनके साथ वो असिमिलेट नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी उनका धरोहर है, जो भी वो वर्ड्स यूज़ करना चाहें, वहाँ पर वो प्रिजर्व रहे। और बेसिक जो उसके पीछे आप देखो जो क्रक्स है वो है रेशियल एथनिसिटी को प्रिजर्व करके रखना। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस मुद्दे पर, इस इशू को लेकर सेपरेट स्टेट आप नहीं बना सकते, ठीक है। आपने तेलंगाना बनाया उसका और रीज़न था, मगर
एक तो खैर रेशनल एथनिसिटी तो है ही, उसके अलावा जो बोडो एरिया है वहाँ पर रिसोर्सेज को लेके ही बहुत ज़्यादा फाइट है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे उन एरियाज़ में, वहाँ पे उन्होंने अपने विलेजेस बसा लिए हैं, वहाँ पे वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो उसको लेके भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह से हमको वायलेंस भी दिखता है उस एरिया में काफ़ी बार। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है बोडो लोगों की, उसको प्रिजर्व करने में उनका और साथ देना होगा। सरकार को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे उनकी जो भाषा है उसको प्रमोट किया जाए, और वहाँ पे उस रीजन में भी कुछ ऐसे मतलब यू नो फेस्टिवल्स हो उनकी भाषा को लेकर, और ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल्स हो जहाँ पे जो बोडो भाषा है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और उसके अलावा वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम करना चाहिए। उसके अलावा सिंस हम स्टेट बना नहीं सकते क्योंकि रेशियल एथनिसिटी का इशू आ जाता है यहाँ पे, उस सब के अलावा 6th शेड्यूल के अंडर जो काउंसिल बनाया गया था उनके लिए बोडो लोगों के लिए, उसको और पावर दी जा सकती है, और वहाँ पे जो डिफरेंसेस है लोगों के उसको सॉल्व करने का भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि वो काउंसिल प्रॉपरली फंक्शन कर सके। उस सब के अलावा ऑफ कोर्स जो बोडो एरिया है जो उसको एनक्रोच कर दिया गया है जहाँ पे और लोग वहाँ पे अब सेटल हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी चाहिए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अब नाम में ही आपको दिख रहा होगा इलीगल है, इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी वहाँ से हटाना चाहिए क्योंकि सीधी सी बात है इट इज़ नॉट लीगल। और मेन यहाँ पे यही है कि हमको वहाँ पर डेवलपमेंट पे काम करना होगा, वहाँ पे ये देखना होगा कि एजुकेशन लोगों तक पहुँचे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पहुँचे, और एम्प्लॉयमेंट आसाम में ही पहुँचे, ये ना हो कि आसाम से बाहर जाके उनको और जगह पे काम करना पड़े, जिससे आपको पता है वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से भी जो एंगर है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। तो आसाम के अंदर ही उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जो उनको सुविधाएँ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, यही इसका समाधान है। फॉर द टाइम बीइंग लगता नहीं है कि बोडोलैंड एज अ स्टेट बन पाएगी। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और कोई टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उस पर हमारी टीम काम करेगी, एंड वी विल प्रोवाइड गुड वीडियोस फॉर यू। एंड फॉर द टाइम बीइंग गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड। गॉड ब्लेस यू ऑल।